पहले कमरे को साफ कर ले, कमरा कुछ गंदा लग रहा है, देख सकते हैं आप। देखेंगे आप, मैं अभी चुटकी बजा के। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द बैड ब्रांड ऑन अदर न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि सब आप ख्याल खैरियत से होंगे। वेलकम जिक्र है कि व्लॉग चैनल में बहुत दिन हो गए थे तो व्लॉग नहीं। मैं कल लाइव स्ट्रीम जब हम बैठे थे, लाइव स्ट्रीम हमने इसलिए की क्योंकि हमारे जो उनसे हमारे अपने जो उनसे खान साहब जिनकी वीडियो फोटो वायरल हुई वो भी हम आपको एंड में दिखाएंगे फोटो जो उनसे। कल के लाइव स्ट्रीम में नहीं दिखा सके। जो लोग चैनल में नए हैं चाहे वो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया अभी तक, तो जिन लोगों ने दिखे लोग को ज्वाइन नहीं किया जाए जल्दी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा। अच्छा ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं जुम्मे बारे कह चलूँ की जुम्मे का दिन आ जाओ हो गया है, तो जुम्मे की तैयारी करने से पहले बाकी छोटे मोटे घर काम है पहले वो खत्म कर लीजिए। तो आइए थी पहले कमरे को साफ कर ले, कमरा कुछ गंदा लग रहा है, देख सकते हैं आप कमरा पहले वैसा लग रहा होगा तो कमरा गंदा लग रहा होगा, तो अभी देना कमरा साफ कर लेंगे। तो अब आप कमरा देख सकते हैं, कमरा बिल्कुल साफ हो गया है। वेरी डेंजरस। तो कमरे को हमने साफ कर लिया, आपको मैं दिखा सकूं इस टाइम। ये देख सकते हैं आप, मैंने कमरा पूरा साफ कर लिया है। देख रहे होंगे आप, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा। बस आपसे गुजारिश है हमारे व्लॉग को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके व्लॉग की वजह से हम यहाँ पे खड़े हैं, आप हमको सपोर्ट करते हैं, हम इसलिए व्लॉग बनाते हैं, नहीं तो हम व्लॉग नहीं हमारा बनाने का दिल करता। तो इस टाइम आप देख ही सकते हैं आपका भाई इस टाइम अपने कमरे में खड़ा है व्लॉग बनाने के लिए। तो व्लॉग बनाने के लिए हम अपना जो जुम्मे की तैयारी के लिए हम अपना जो सूट जुम्मे के लिए पहनना है वो हम निकाल लें। तो आइए फिर जुम्मे की तैयारी के लिए जो सूट है वो निकाल लेते हैं। तो आइए फिर, तो ये सूट हमने निकाला है जुम्मे की तैयारी के लिए। हम नीचे इस्त्री ले के आते हैं, इस्त्री ले के आने के बाद हम वहाँ से इस्त्री को इन कपड़ों को इस्त्री करते हैं। तो आइए फिर नीचे इस्त्री ले के आते हैं जाके। तो इस्त्री हमने जो उनसे ले ली है, तो आइए दिखाऊँ आपको इस्त्री। तो अपनी इस्त्री आ चुकी है ऊपर, तो आइए फिर कपड़ों को इस्त्री कर लेते हैं हम अपने जो उनसे कपड़े पहने हैं हमने, तो कपड़ों को इस्त्री कर लेते हैं हम। तो इस्त्री जो उनसी हमने यहाँ पे लगा ली है तार के साथ, तो आइए फिर कपड़ों अपनों को इस्त्री कर लेते हैं। तो हम सब कुछ आज दिखाएंगे क्योंकि जुम्मे का जो व्लॉग है हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मिलने वाले हैं, आप हमारे व्लॉग से जुड़े रहिएगा। तो आइए फिर व्लॉग को आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमें कपड़े हैं हम इनको इस्त्री कर लेते हैं, तो देखेंगे आप, मैं अभी चुटकी बजा के। वेरी डेंजरस। ये भी कपड़े हमारे, ये कमीज जो उनकी इस्त्री हो गई है, तो अब ये चुटकी बजा के। तो ये भी हमारा जो शलवार है इस्त्री हो गई है, शलवार कमीज दोनों इस्त्री हो गई हैं। सूच को उतार देते हैं हम, तो यहाँ पे इस्त्री को रख देते हैं, इस्त्री को ले जाएंगे नीचे जहाँ से इस्त्री को लेके आए हैं वहाँ पे इस्त्री को रख देंगे। तो वहीं पे चलते हैं नीचे इस्त्री को लेके। तो इस्त्री को हम ये छोड़ रहे हैं, तो बाकी सोचा कि अब कपड़े जो हमने इस्त्री कर लिए, हमने तो अपनी जो जुम्मे की तैयारी वो आधी कंप्लीट कर ली है, तो जो बाहर पौधे पड़े हैं उनको साथ में पानी दे देते हैं। तो आइए फिर पौधों को साथ में पानी देते हैं और साथ में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। यहाँ से ये बोतल उठा लेते हैं इस बोतल में, यहाँ से पानी भरेंगे हम, यहाँ पे पानी को यहाँ से चला के, तो ये बोतल भर जाएगी अभी देखना। तो बोतल भर चुकी है, तो यहाँ से बोतल को उठा के
अपनी जौंती अल बड़ा है, उसको पानी देंगे हम यहाँ से। ये छोटी बोतल है, ये काम नहीं आ रही किसी भी, बड़ी बोतल खोलेंगे। तो ये भी आपको बोतल बड़ी नजर आएगी, तो बोतल बढ़ गई है। तो आइए फिर पानी दे देते हैं अपने पौधों को। गुलदपैड़ी को पानी दे देते हैं, गुलदपैड़ी को, साथ में आलू को पानी दे देते हैं अपने। तो फिर बोतल बढ़ चुकी है, जादू कर था आपको, जादू की देना बोतल भी बढ़ जाएगी। ये बोतल फिर से बढ़ गई जादू से, देखना ये ले पानी फिर आ गया यहाँ से। यही बोतल बढ़ गई है, बस किराए रह गया, इसको पानी दे देते हैं, फिर हम चलते हैं अंदर। फिर बोतल बड़ी नजर आएगी आपको, ये बोतल फिर से बढ़ गई है हमारी। तो आइए फिर पानी दे देते हैं अपनी बोतल से दूसरे पौधे को। ये पूरी पूरी बोतल, पूरी बोतल ही पी गया पानी की, ये तो पूरी बोतल ही पी गया, ये तो पानी गीला खैर करे। तो यहाँ पे हमने अपने पौधों को पानी दे दिया, अपने कपड़े इस्त्री कर लिए यहाँ पे हमने। अच्छा ठीक है, तो हम आ गए हैं नीचे, अब ऊपर से नीचे आ चुके हैं हम। तो यार अभी भी खबर सुनने में आई है कि जो छोटा सा बच्चा पाकिस्तान में शिराज विलेज में लोग आया था, जिसने पाकिस्तान का नाम बना लिया था, जो कि यूट्यूब पर फेमस हो चुका था, उसने इतनी मेहनत करने के बाद अपना नाम कमाया, जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर जाकर बैठा, जिसने डक्की भाई से मिल लिए, जिसने बड़े बड़े यूट्यूबर से मिल लिए, जिसने यूट्यूबर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो आज भी लोग छोड़ के चला गया है, वो लड़का यूट्यूब छोड़ के चला गया है। यार बड़ा इमोशनल फील हो गया है, क्या कहूँ, पढ़ाइए अब आपको अपने कमरे में ले चलते हैं, कमरे का क्या हाल है आपको दिखा सकती हूँ, यहाँ नीचे वाले कमरे का। तो यार वो बच्चा इतना अच्छा व्लॉगर था, उसने व्लॉगिंग छोड़ दी, वो व्लॉगिंग उन्होंने इसमें छोड़ी। अगर वो बंदा इतने कुछ कर सकता है छोटी सी उम्र में, तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। उसका लास्ट व्लॉग था, उसने अपनी वीडियो में बताया कि मैं लास्ट व्लॉग बना रहा हूँ, आज के बाद व्लॉग नहीं बनाऊँगा, पर लेकिन उसने ये भी कहा है कि मैं अपने जितने मेरे फैन फॉलोइंग हैं, मैं उनको दोबारा मिलने ज़रूर आऊँगा, मैं उनसे दोबारा मिलने आऊँगा, ये मेरा आपसे वादा है, उसने ये भी कहा है। उसके वालद साहब ने, उसके वालद साहब ने कहा है आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, जब तक आपकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं होती आप लोग नहीं बनाएंगे, और उसने व्लॉग बनाना बंद नहीं किए, लेकिन वो बहुत जल्दी वापस आएगा, उसने खुद ही कहा है अपनी वीडियो में। तो आप टेंशन ना लें, वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी बैक होगा। यार मुझे तो बहुत ज़्यादा गम हुआ कि यार मेरा जो था बना था यूट्यूबर छोड़ चल गया, उसने मेहनत की अपनी इतनी यूट्यूब पर पढ़ के व्लॉग छोड़ चल गया। इस टाइम मैं यहाँ पर खड़ा हूँ अपने कमरे के अंदर, आपको मैं दिखा भी सकता हूँ, देख सकते हैं आप, ये कासम भाई सोए हुए हैं, तो ये यहाँ पे फ्रिज पड़ी हुई है हमारी। तो ये आपको मैं अपनी दुकान में बाहर लेके जाऊँ, बाहर दुकान का क्या माहौल है, ये फिर लेके चलता हूँ मैं आपको बाहर। चाचे मामे दे सिरां दे नी उत्ते आ नी मैं आप बनिया, मदे छेती आ छेती छेती आ गया। तो ये दुकान में हम आ गए हैं, तो ये दुकान हमारी है, तो देख सकते हैं ये दुकान है, देख सकते हैं ये दुकान है हमारी। तो ये आपको दुकान का सामान नज़र आ रहा होगा। तो अगर आप हमारे व्लॉग में नए हैं, हमारे व्लॉग को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और ये लड़का अस्सलाम वालेकुम हमाद भाई, ठीक हो? हाँ जी शुक्र अल्लाह पाक का। तो सुनाए क्या हाल चाल है आपके, ठीक, कहाँ से आ रहे हो? मैं बोल जा रहा था से हूं। आपका नाम क्या है सही? हमाद अली। पढ़ाई होगी आपकी? हाँ जी मैट्रिक कर लिया मैंने। चलो अच्छा शुक्र। आप कहाँ जा रहे हैं आप? वो बंदले बंजल, जब बंदले के आ जाए फिर आपसे आगे मैं आके मिलते हैं।
तो आपने मेरे दोस्त से मिला होगा, तो आप कहिएगा कैसा लगा आपको दोस्त मेरा। वो यह लड़का ब्लॉग शुरू चल गया उसका, बड़ा मुझे अफसोस हुआ, पर वो मेरा बहुत अच्छा यूट्यूबर था, उसने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मैं उसको कभी नहीं भूलूंगा। वो जब भी ब्लॉग बनाएगा मैं उसके बारे में कभी ब्लॉग बनाऊंगा, तो आज मैं उसके बारे में ब्लॉग बना रहा हूँ। जब मैं जुमे के बारे में ब्लॉग बनाया था, वही थंबनेल जो है उसके बारे में लगाना पड़ेगा। जब भी खबर सामने आई कि वो ब्लॉग छोड़ चल गया है। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैंने आपको अपना दोस्त मिलाया कि बाहर, अब देखते हैं बाहर भी कोई आया हुआ है, चलाइए देखते हैं बाहर कौन आया हुआ है। जब अगर आप बाहर रहेंगे तो बाहर कौन आया, तो अभी चलते हैं बाहर की लड़ाई करने जरा। ये कौन आया हुआ है बाहर देख सकते हैं, तो तुम्हें पता नहीं है कौन है। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। क्या नाम है भाई जान आपका? सुभान आपका क्या नाम है भाई जान? अबे यार भाई काम करते हैं जी भाई? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप क्या करते हैं? कपड़े का काम करते हैं। कपड़े काम। ये आपको मैंने इससे पहले मिलाया, तो ये देखते हैं तीनों मेरे दोस्त हैं। तो ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को। आगे भी लोग जलेगा दो घंटे के बाद, तब तक के लिए रुकिए जरा। 2 hours later सोचा कि दो घंटे के बाद हमने अब नहाने के बाद लोग दोबारा स्टार्ट किया है, तो बताइए आपका भाई कैसा लग रहा है? तो आपका भाई वहाँ पे नहाने के बाद आपको मैं दिखाया कि आपके भाई ने नहा लिया था, तो यहाँ से वीडियो को स्टार्ट बड़ा करते हैं। तो मैं अपने कान में अंदर खड़ा हूँ, कान के अंदर आपको मैं अपना सामान दिखा दूँ, कुछ कान के अंदर जो सामान पड़ा मैं आपको भी दिखा दूँ, आइए देखते हैं मजा आएगा। ये देख सकते हैं जो दुकान के अंदर सामान पड़ा हुआ है, ये दुकान के अंदर हमारे सामान पड़ा हुआ है। तो आपका भाई इंदर आ चुका है दुकान के सामान दिखाने के बाद, आपका भाई इंदर आ गया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मैं नहीं मानता। कल की वीडियो में आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।